बगैर मास्क पहनकर चलने वाले के ऊपर चला प्रशासन का डंडा। 50 रुपया करके जुर्माना वसूला गया, बदले में 2 मास्क दिया गया। टेरागाज प्रखंड विकास पदाधिकारी गुलजारी कुमार पंडित, अंचल अधिकारी अजय चौधरी द्वारा लगातार मास्क चेकिंग अभियान जारी रखा है। इसी क्रम में आज टेरागाज ब्लॉक परिसर के आगे में बैरियर लगाकर बगैर मास्क पहनकर चलने वाले व्यक्ति से 50 रुपया का जुर्माना वसूला गया और बदले में 2 मास्क दिया गया। बाइक चालक, टेम्पो चालक, चार चक्का वाहन चालकों से भी जुर्माना वसूला गया कोरोना वायरस को लेकर। प्रखंड क्षेत्र के 6 जगह पर COVID-19 कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने का केंद्र बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 45 से उम्र अधिक हो, वो कोई भी केंद्र में जाकर COVID-19 कोरोना वैक्सीन का टीका लगा सकते हैं, जिसका उम्र 45 साल से ऊपर हो। इसी क्रम में टेढ़ागाछ में भी कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पटना द्वारा टेरागाज प्रखंड मुख्यालय स्थित समुदाय भवन में राज मिस्त्री प्रशिक्षण देने को लेकर टेरागाज प्रखंड विकास पदाधिकारी गुलजारी कुमार पंडित, अंचल अधिकारी अजय चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन किया। 7 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत के राज मिस्त्रियों ने भाग लिया। 30 राज मिस्त्रियों का चयन किया गया और उनका प्रशिक्षण चल रहा। इस प्राधिकरण में वर्ग कक्ष से चित्र दिखाकर राज मिस्त्रियों को बताया जाता है और निर्माण स्थल पर कार्य करके सिखाया जाता है। टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत में राज मिस्त्री द्वारा 7 दिवसीय प्रशिक्षण में अपना प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण प्रभारी उत्कर्ष विभोर, मास्टर ट्रेनर राहुल कुमार और सतीश कुमार मुख्य रूप से सिखा रहे हैं राजमिस्त्रियों को। किसान संघर्ष मोर्चा बैनर तले एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें किसान संघर्ष मोर्चा के सदस्य ने भाग लिया। जिसमें मुख्य रूप से किसान संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने बैठक आयोजित कर किसानों के साथ बातचीत किया, जिसका मुख्य कारण है कि रतुआ नदी में बन रहे बेसलीन बांध निर्माण को लेकर है, जिसकी समस्या को लेकर बैठक आयोजित किया। बैठक में मुख्य रूप से किसान संघर्ष मोर्चा के सदस्य ने भाग लिया। बैठक टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के भोरा पंचायत में आयोजित किया गया। वहीं किसान संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि आवेदन लिखकर किशनगंज जिला पदाधिकारी को दिया जाएगा। यंग ग्रुप ऑफ टेरागाज के सदस्यों ने आज थाना प्रभारी तरुण कुमार से मुलाकात किया और होने वाले सम्मान समारोह में इनवाइट किया। ज्ञात हो के प्रतिभा सम्मान समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होने वाला है, जिसको लेकर आज टेरागाज थाना अध्यक्ष तरुण कुमार से मिले और प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लेने की अपील की। ज्ञात हो के प्रतिभा सम्मान समारोह में मैट्रिक और इंटर की टॉप 10 छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, जिसको लेकर आज यंग ग्रुप ऑफ टेरागाज के सदस्यों ने टेरागाज थाना अध्यक्ष तरुण कुमार से मिले और मुख्य अतिथि तौर पर उसको सम्मान समारोह में आने की अपील की। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जिला परिषद प्रत्याशी अकमल सती ने टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के झाला पंचायत के कई गांव का दौरा किया, लोगों से मुलाकात कर आगामी ग्राम पंचायत चुनाव पर चर्चा किया। ज्ञात हो कि जिला परिषद प्रत्याशी अकमल सती लगातार क्षेत्र का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर रहे और लोगों की समस्या से भी अवगत हो रहे। इसी क्रम में टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के झाला पंचायत का दौरा किया, लोगों से मुलाकात कर आगामी ग्राम पंचायत चुनाव पर चर्चा किया। वहीं जिला परिषद प्रत्याशी अकमल सती ने आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में सहयोग करने का भी अपील किया। इसी क्रम में टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के झाला पंचायत का दौरा किया और लोगों से मुलाकात कर आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में सहयोग करने का अपील किया।